हाय गाइस एंड वेलकम टू एमबीज मैन केव। भाई साहब अभी ऑफिस से आया हूँ मैं। आते ही मैंने सोचा कि यार जल्दी से अपना ग्लेनकरन ग्लास धोऊं, बोतल निकालूं और आप लोगों के लिए वीडियो बनाना शुरू करूं, क्योंकि आज है विस्की वेंसडे। और आज के विस्की वेंसडे में हम कर रहे हैं रिव्यू द ग्लेन ग्रांट 10 ईयर्स ओल्ड विस्की का। सो द ग्लेन ग्रांट विस्की, पहले बॉटल निकाल लेते हैं बॉक्स में से। भाई पहले आधा काम करके वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। चलो बोतल निकल गई है। ग्लेन ग्रांट विस्की, इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस विस्की की, ऑफकोर्स उस पर हम जरूर आएंगे। दिस इज एक्चुअली नॉट रियली ए न्यू लॉन्च इन द वर्ल्ड, दिस हैज़ बीन देयर आउट देयर सिंस 1840। इंडिया में बहुत ही रिसेंटली आई है, इनफैक्ट मैं बोलूँगा दिल्ली में रिसेंटली आई है। बॉटल खोल के पोर कर देते हैं, लेकिन अभी स्टोरी आगे बढ़ाने से पहले, बहुत कुछ आगे करने से पहले, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर विवेक वाटवे, वो जब से उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया मुझसे एक ही विस्की की डिमांड कर रहे हैं। एंड इट्स बीन 2-2.5-3 ईयर्स, तब से काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर हैं। ऑनेस्टली मुझे पास वो बॉटल मुझे मिलती नहीं थी, यहाँ पर दिल्ली में नहीं मिलती थी। आई थिंक वो कहीं से लेकर आए थे, घूम फिर के आए होंगे कहीं से, तो मुझे वो बोलते रह गए कि ये रिव्यू करो। बट फाइनली वो दिन आ गया है जब हम रिव्यू कर रहे हैं ग्लेन ग्रांट। तो मैंने कहा कि आपका नाम लूँ मैं, अगर देख रहे हैं वीडियो तो, और ये जो आवाज़ है ये भी आपके लिए विवेक जी। आई नो कि यार थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए ना इतनी सारी रिक्वेस्ट को फॉलो करना, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, बहुत सारी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पर, इंस्टाग्राम पर। इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू कैटर टू ऑल द रिक्वेस्ट एटलीस्ट जल्दी से जल्दी, बट आई बिलीव मी आई ट्राई माई बेस्ट। बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स की रिक्वेस्ट भी आती है जिनका मुझे पता है अगर मैं वीडियो डालूंगा, बॉटल लेकर आऊँगा 8-10 हज़ार की, फिर मैं उसे खोल के रिव्यू करूँगा, लोगों ने देखना ही नहीं है और मुझे उस विस्की में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो इट्स काइंड ऑफ अनरियलिस्टिक रिक्वेस्ट समटाइम्स। बट मैं कोशिश तब भी करता हूँ कि पूरी करूँ आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट, और ऐसा नहीं कि नहीं करता, यार करता आता हूँ, जब भी कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी करूँ। बट चीयर्स टू विवेक जी, अभी तो ड्रिंक नहीं कर रहे, पहले कहानियाँ सुन लेते हैं थोड़ी बहुत। सो ग्लेन ग्रांट विस्की, इस विस्की का जन्म हुआ था 1840 में। दो भाई थे, जॉन एंड जेम्स ग्रांट, जो मिलकर विस्की का बिजनेस करते थे 1840 से भी पहले से करते आ रहे थे। और 1840 में उन्होंने फाइनली एक लाइसेंस लिया, उससे पहले दो नंबर का काम चल रहा था वहाँ पे, कच्ची शराबें बेची जा रही थी। 1840 में उन्होंने बोला कि भाई चलो अब काम बढ़ रहा है तो उसको हम लीगल करते हैं, विस्की अपनी लाइसेंस खरीदते हैं, डिस्टिलरी को प्रॉपर एक डिस्टिलरी बनाते हैं और वहाँ से एक विस्की बनाना शुरू करते हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा ग्लेन ग्रांट, अपने ही नाम पर रखा। ग्लेन, यू गाइज नो, ग्लेन इन स्कॉटिश मीन्स वैली, तो वैली ऑफ द ग्रांट अपने नाम पे बना दी। भाई हम भी किसी दिन वैली ऑफ द भाटिया में अपनी देसी शराब बनाएंगे और बेचेंगे सबको। अच्छा नाम है वैसे ग्लेन भाटिया, क्यों आप लोगों को क्या लगता है, अगर खरीदेंगे क्या आप लोग, इफ़ आई लॉन्च द विस्की बाय द नेम ऑफ ग्लेन भाटिया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर देखा जाए, क्यों मतलब ऐसा नहीं है कि विस्की कोई कॉनेसोर थे या उन्होंने कुछ विस्की में कुछ स्टडी किया और वहाँ तक पहुँचे। देर आर सम ब्रांड जहाँ पे ऐसी स्टोरी भी सुनने को मिलती है हमको, बट दिस सीम्स मोर लाइक अ बिजनेस थिंग देन अ विस्की थिंग। ऐसी जो स्टोरीज हमें ज़्यादातर सुनने को मिलती हैं जब बात होती है ब्लेंडेड विस्कीज की, कि एक बिजनेस मैन था, उसने अपनी विस्कीज खुद ब्लेंड करनी शुरू करी, चाहे हम जॉनी वॉकर की बात करें, चाहे हम बात करें जेमिसन की, या जितनी भी ऑलमोस्ट ब्लेंडेड विस्की से, सब में सिमिलर स्टोरी होती है। बट ऐसी स्टोरी सिंगल मॉल्ट्स में सुनने को कम मिलती है, बट ग्लेन ग्रांट में है। यूजली जब हम बात करते हैं विस्की स्टार्टिंग विद ग्लेन, यू हैव बिग नेम्स लाइक ग्लेन लिविट, ग्लेन फिडिक, ग्लेन मोरांजी, कुछ और भी नाम आ जाते हैं दिमाग में, ग्लेन फाकलास जैसे है। बट इंडिया में जो लोग अगर पूछे जाए तो 2-3 नाम ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। बट जहाँ पे ग्लेन शब्द आ जाता है ना, तो आई थिंक ग्लेन शब्द की एक वैल्यू है अपने आप में। आई डोंट नो क्यों है वो, क्योंकि ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि ग्लेन अगर नाम है तो भाई कोई बहुत ही अमेजिंग विस्की होगी, ऐसा कुछ नहीं है। नेम इज़ जस्ट अ नेम। मैंने इनफैक्ट देखा है कि कुछ एक दो इंडियन विस्कीज भी आई हैं, उन्होंने अपने नाम ग्लेन से शुरू कर दिया है। ये सब चीज़ें मतलब ये मत करो यार, इंडिया का विस्की हो, आप इंडिया विस्की बना रहे हो, स्कॉटिश विस्की नहीं बना रहे हो आप,
मेक ए पुट एन इंडियन नेम, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? अच्छे नाम इंडियन विस्कीज के नाम चल तो रहे हैं, इतनी अच्छी विस्कीज चल भी रही हैं, कोई भी जो अच्छी विस्कीज चल रही है ना वो कोई भी ऐसे ग्लेन ब्लेन के चक्करों में नहीं जा रहा है. सो लेट्स, वी शुड नॉट बी डूइंग दैट. बट ये कॉपीड नाम नहीं है, इट्स बीन आउट देयर फॉर 1840. हो सकता है उस टाइम पे कॉपी करके रखा गया हो, बट अब तो चल ही रहे. तो आप उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आज की डेट में व्हाट इज गोइंग ऑन टुडे विद दिस विस्की एंड व्हाई हैज बीन लॉन्च्ड इन इंडिया रिसेंटली. अब विस्की के प्रेजेंट में आते हैं कि क्यों आज की डेट में विस्की अवेलेबल हुई है इंडिया में. ग्लेन ग्रांट हैज बीन गेटिंग वेरी पॉपुलर. 2006 में इस विस्की को टेक ओवर किया था कंपारी ग्रुप ने, एंड सिंस देन दिस विस्की हैज इम्प्रूव्ड. आई एम नॉट श्योर इफ इट हैज इम्प्रूव्ड और मार्केटिंग हैज इम्प्रूव्ड, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, बट इट हैज़ बीन डूइंग रियली रियली वेल इन द ओवरसीज मार्केट. ग्लेन ग्रांट 18 रिसेंटली उसने काफ़ी सारे अवार्ड जीते हैं एज वन ऑफ द बेस्ट विस्कीज इन द वर्ल्ड. एंड दिस इज आई वुड से यू नो काइंड ऑफ अ रिसेंट लॉन्च इन इंडिया. एंड इसके दो वेरियंट्स मैंने देखे हैं मार्केट में, 10, 12, 18 भी देखा है शायद मैंने. एंड सरप्राइजिंगली इट्स नॉट रियली दैट एक्सपेंसिव जितनी कि आजकल हो रही हैं. कई ब्रांड्स अपने जो प्राइसेज हैं वो बढ़ाते जा रहे हैं, विच हम आई थिंक किसी और वीडियो में बात करेंगे. बट दिस वन इज 4000 फॉर दिस बॉटल इन दिल्ली, और गुड़गांव से अगर आप लेते हैं तो और सस्ती मिल जाएगी आपको अराउंड 3000, 3500, 3200 के आसपास की आई थिंक है, शायद है, आई एम नॉट श्योर. बट आई थिंक दैट्स नॉट रियली अ बैड प्राइस फॉर अ विस्की, फॉर अ गुड सिंगल मॉल्ट विस्की. दिस इज अ स्पेस आई विस्की, यानी कि इसमें ज़्यादा पीट का यूज़ नहीं करा गया है. सो दैट्स अनदर यू नो सम राइट इन द एली ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स. इंडियन कंज्यूमर्स जो सिंगल मॉल्ट पीना शुरू कर रहे हैं वो ज़्यादा पीटेड विस्कीज इन्जॉय नहीं करते, एटलीस्ट ड्यूरिंग द स्टार्ट. सो दिस आई थिंक इज राइट देयर, इट्स अ गुड प्राइस रेंज एंड सीम्स लाइक अ गुड विस्की एटलीस्ट ऑन द पेपर. बट इज इट really? Let's find out. Let's do some nosing. बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा हूँ क्या मैं? लग रहा है मुझे यार, अभी तो दो ड्रिंक पीने के बाद यूजली इंग्लिश निकलती है, बट आज ऐसे ही निकल रही है. शर्ट पहनी है शायद मैंने इसलिए. वेरी वेरी क्लीन ऑन द नोज. इट्स वेरी एक बहुत ही जस्ट जो एक स्पेस साइड विस्की होती है उसका एक बहुत ही सिंपल अरोमा होता है. इट्स लाइक वेरी फ्रूटी, स्लाइटली यू फील अ बिट ऑफ हनी एंड बटर स्कॉच, वेरी प्लेजेंट अरोमा. और काफ़ी वैसे ही काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं मुझे रोज पर. स्लाइटली कैंडीड फ्रूट जैसा मुझे एक, जो मुरब्बा जैसा मुझे एक अरोमा हल्का हल्का आ रहा है, चाशनी जैसा अरोमा आ रहा है हल्का हल्का. Quite pleasant on the nose so far. Not a lot of woodiness on the nose. It's a 10-year-old whiskey. I'm not expecting it to be that complex. But chaliye taste karke dekhte hain. Nice. 40% I think ye. Yes, 43%. It starts off slightly spirity, as in it doesn't seem like matured completely as much as I would want to, but a fairly good whiskey I think. Ek काफी friendly whiskey है ये. Not as sweet or floral as I was expecting it to be, or at least nose se jo mujhe feel ho raha tha. Surprisingly, it is well balanced in that department. Kai baar overcompensate kar dete hain, I think, jab ek whiskey kam age hoti hai. But isme aisa bilkul bhi nahi hai. This is a fairly nice, easy flowing whiskey. Falls slightly short. Ek jo uska finish hai, wo thodi si abrupt si hai. उसके अलावा बट आई थिंक फॉर दिस काइंड ऑफ प्राइस यू डोंट एक्सपेक्ट कि विस्की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली है. यू वॉन्ट द विस्की टू बी जस्ट अ नाइस ईजी गोइंग एक्सपीरियंस, एंड दिस आई थिंक इज डेफिनेटली दैट. क्या अगर आप ग्लेन फिडिक या ग्लेन लिविट पीना पसंद करते हैं
would you still enjoy this kind of whiskey? I think why not? This is definitely not a bad whiskey and not a bad choice. Is it as good as Glenfiddich 12 in terms of being friendly? I'll have to compare. I don't see any reason why not, but we can do a comparison video. If you want to do a comparison, then do let me know in the comment box. We can do that. In fact, Glenfiddich ki meri bottle bhi khatam ho gayi hai, to mujhe wo bhi lani hai. To usi bahane wo bhi ho jayega. But fairly good whiskey, I think, for the price. Don't expect it to blow your mind. It's not a mind-blowing whiskey. But I think this is definitely a whiskey which people can enjoy, which can... it's pleasant enough ki agar aapka ek drink peene ka man kar raha hai, kaam karne ke baad aap sirf relax karna chahte hain, ek drink peena chahte hain. It's definitely a whiskey jo aapko wahan tak le jayegi. Aur agar aap doston ke saath baith ke 2-3 drink enjoy karna chahte hain, wo bhi I think aisi bottle aap use kar sakte hain. It's not that expensive on the pocket agar hum single malts ki baat kare, and it gives you a pretty pleasant experience. एक बात बड़ी अच्छी होती है ऐसी विस्कीज़ में कि जब आप Glenfiddich, Glenlivet सर्व करते हैं अपने फ्रेंड्स को ना, तो उनको पता होता है कि भाई ये विस्की इतने तक की है. लेकिन आप ऐसी विस्कीज़ अगर सर्व करोगे, एटलीस्ट जो नई नई आई हैं, तो लोगों को लगेगा कि आप थोड़ी शायद महंगी विस्की पिला रहे हो उनको. ये बात नोटिस करिएगा कभी आप लोगों ने, नोटिस करना ज़रूर. आई एम नॉट गोना गिव इट एनी स्कोरिंग. आई डू थिंक इट्स अ गुड विस्की, बट आई डोंट वांट टू गिव इट अ स्कोर बिकॉज आई थिंक उसका रीज़न ये कि जो मेरे स्कोर्स मैंने पहले दिए थे, आई थिंक वो काफ़ी इवॉल्व, तब से अब तक मेरा पैलेट काफ़ी इवॉल्व हो चुका है. सो द स्कोरिंग सिस्टम बिकम्स काइंड ऑफ रिडंडेंट बिकॉज आई कैन नॉट गो बैक एंड चेंज माई स्कोरिंग. बट 4 साल पहले मेरा जो एक्सपीरियंस था विस्की का, वो अलग था और अब अलग है. मैं अब वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ चुका हूँ. अब अगर मैं वापस जाके स्कोर देता दोबारा उन विस्कीज को, तो शायद थोड़ा कम देता. बट विद दैट सेड, आई डेफिनेटली थिंक दैट इट्स अ गुड विस्की एंड यू शुड ट्राई इट इफ यू ड्रिंक. अगर आपको ऐसी इस प्राइस रेंज की विस्कीज पसंद है, इट्स अ विस्की विच यू कैन डेफिनेटली ट्राई. सो थैंक यू विवेक जी वंस अगेन फॉर रिकमेंडिंग मी. आप लोग मुझे बताइए कि कैसी लगी आप लोगों को ये विस्की. अगर आपने ऑलरेडी ट्राई करी है, 10-12 ईयर भी आपने ट्राई करी है, तो उसमें कैसा लगा, क्या डिफरेंस लगा आपको दोनों के अंदर, ये भी मैं जानना चाहूँगा ज़रूर कि 12 और 10 में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, क्या चीज़ें अलग है उसमें, क्योंकि दोनों ही ज़्यादा महंगी नहीं है, सेम सिमिलर प्राइस रेंज की हैं. तो 12 भी नेक्स्ट टाइम ट्राई करके देखते हैं. लाइक ज़रूर कर दो वीडियो को यार, अगर पसंद आया. अभी तक देख रहे हो, यहाँ तक देख ही रहे होगे, मुझे पता है मेरी येलो शर्ट इतनी अट्रैक्टिव है कि सब लोग जा कैसे सकते हैं. बट चलिए मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए पियो पैचो पियो.